चंदौली की इस घटना से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अब तक अंधेरे में है। संदिग्ध मौत हत्या है या कुछ और, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं हो पाया है। अब फॉरेंसिक साक्ष्यों की पड़ताल होगी और बिस्तरा रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पुलिस आगे कुछ कहने की हालत में होगी। फिलहाल घटना के वक्त की पुलिस की हर कार्रवाई की तफ्तीश हो रही है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि अगर कोई भी पुलिस वाला गुनहगार निकला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भी यही बात दोहरा रही है। चंदौली के सैयद राजा के इस घर में पुलिस छापेमारी के दौरान ऐसा क्या हुआ कि 24 साल की निशा और गुड़िया की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह को अज्ञात बताया गया है। फंदे से लटकने की वजह से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल है कि क्या मौत के बाद निशा को फंदे से लटकाया गया था, और अगर परिजनों के ये आरोप सच हैं तो फिर निशा को फंदे से किसने लटकाया था। ये संगीन सवाल हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। आपको इस मामले में संदेह से जुड़ी कुछ और बातें बताएंगे, उससे पहले जरा इन तीन बयानों को एक साथ सुनिए। देखे तो दीदी को पंखे से लटकी हुई थी और उनका पैर जो फोर्स होता है उस पर एकदम लटका हुआ था, मतलब टच और बहुत ज़्यादा टच, मतलब मुड़ गया था पूरा। हम बस यह सुने कि हमारे बहन के मार के पुलिस मुँह आ गए बस। अच्छा। हम के मरले बस इतना हमारे हमारे लड़का कहला। जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई हैं। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। सैयद राजा थाने की पुलिस यहाँ गैंगस्टर कन्हैया यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी। सवाल है कि जब कन्हैया घर पर नहीं मिला तो उनकी बेटियों के साथ मारपीट क्यों की गई, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर बवाल के फौरन बाद SHO सिपाही और 4 महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। इस सवाल के जवाब में SP साहब कह रहे हैं कि लोग गुस्से में थे इसलिए मुकदमा दर्ज करने की इजाजत के फौरन बाद ये कार्रवाई की गई, क्योंकि SHO पद पर रहते हुए जांच प्रभावित कर सकते थे। लोगों के अंदर जन आक्रोश था कि ऐसे ऐसी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की गई है वो ठीक नहीं है। इसका संज्ञान लेते हुए ताकि जो मुकदमे की विवेचना है वो भी निष्पक्ष हो सके, हमने कार्रवाई की है और इसमें डिपार्टमेंटल जो एक्शन है वो हमने जांच एडिशनल SP सदर को दी गई है। सभी बिंदुओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। गैंगस्टर कन्हैया यादव और उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रही है और इसका सबूत उनके दोनों बेटों और दोनों बेटियों पर मुकदमा तक दर्ज करना है। यह उस मुकदमे की फहरिस्त है जिसे सैयद राजा थाने में गैंगस्टर कन्हैया यादव की दोनों बेटियों और दोनों बेटों पर पिछले दिनों दर्ज किया गया था। यानी एक तरफ से कन्हैया के पूरे परिवार पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज था। अब सवाल उठता है कि क्या स्थानीय SHO उदय प्रताप सिंह कन्हैया यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तामील करवाने में जुटे थे या आरोपों के मुताबिक उनके पूरे परिवार से दुश्मनी निकाल रहे थे। हमारे पास एक बिजली का मुकदमा था जो कि वो ख़त्म हो चुकी थी, 151 का मुकदमा था वो जबकि ख़त्म हो चुका था 2014 में, और उसको पुलिस ने अपने पुराने रिकॉर्ड से निकाल कर एक जो है यहाँ पुलिस एक बार और हरकत की थी। जबर जताई कैले में गुंडा, कैले में गुंडा काम का गुंडा सदराजे का थाना गुंडई कैले हमान के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खरोच और एक जबड़े पर 0.5 सेंटीमीटर लंबे मामूली चोट के निशान सामने आए हैं। ये अपने आप में बड़ा सुराग है। आखिर मृतक के शरीर पर ये निशान कहां से आए?
पुलिस की छापेमारी के ठीक बाद आरोपी कन्हैया यादव की बेटी के शव का संदिग्ध स्थितियों में मौके से मिलना ये बताता है कि इस पूरे मामले में आरोपों के भंवर के बीच कोई ऐसा सच फंसा है जिसे पूरे एहतियात के साथ बाहर लाना जरूरी है। इसमें जरा सी भी चूक या लापरवाही स्याह सच को मिटा सकती है। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक शेखर पांडे के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।